सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से आज एक नए और ऑसम व्लॉग के साथ। सो बहुत दिन से व्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ काम आ जाते, पर मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक फिर से एक व्लॉग बनाया जाए। तो चलिए आज का व्लॉग देखते हैं। अभी इस समय मैं खड़ा हूँ अपने छत पे, टेरेस पे मैं खड़ा हूँ। इस समय का जो ये मौसम है आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा है। सो चलिए पहले देखते हैं कि कैसा है आज का मौसम और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लेट्स गो। यार गाइस, अभी इस समय मैंने TVF का जो एस्पिरेंट का सीरीज आया था उसको मैंने जस्ट अभी देखा और मुझे ये काफ़ी तगड़ा लगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ उसके पार्ट्स और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ उसकी कि मुझे कैसा लगा वो TVF का सीरीज इस बार का और मुझे कैसा मतलब वो एक्चुअली मेरा क्या ओवरव्यू है उस पूरे सीरीज को देखने के बाद। तो भाई उस सीरीज में क्या बताया गया है हम सब कुछ वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं उसके कुछ इस समय के डेटा, मतलब जो आपको सच बता रहा हूँ विश्वास नहीं होगा भाई। चलिए देखते हैं उसको। तो भाई यार तुम लोग इस समय देख सकते हो कि यार मैंने अपने डेस्कटॉप इसको खोला हुआ है यार। IMDb रेटिंग 9.0 दी गई है इस समय एस्पिरेंट्स की और मतलब एकदम तगड़े में ये चल रहा है। मतलब IMDb रेटिंग सोच रहे हो 9.0 out of 10, 1,16,000 पीपल हैव वोटेड फॉर इट। और ये संदीप भैया तो भाई काफ़ी फेमस हो गए हैं इस सीरीज से और साथ ही साथ में मतलब पूरा ओवरऑल इनके जितने भी कैरेक्टर हैं, वो चाहे अभिलाष हो, चाहे गुरी हो, चाहे SK हो और चाहे संदीप भैया हो, सब कुछ फेमस हो गए हैं। बट ये डायलॉग सुनो, तुम्हारे अंदर आ जाएंगे गूज बम्स। माँ बाप प्यार दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना, इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल। तो यार जितने लोगों ने भी ये सीरीज नहीं देखी है, मैं बता देता हूं एकदम शॉर्ट में कि ये सीरीज है, एक स्टोरी है, ठीक है, जो कि जहां दिल्ली से शुरू होती है, एक कोचिंग सेंटर से, जहां पे तीन दोस्त जाते हैं वहां पे तैयारी करने के लिए। और वहां पे तैयारी करते करते एक ऐसा समय आता है कि उन्हें लगता है कि उनका नहीं निकल पाएगा। उसमें से कुछ लोग का निकलता है, कुछ का नहीं निकलता है, बट उन तीन दोस्त में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा बचता है आखिरी समय में जिसका IAS में सिलेक्शन होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीन दोस्त लोग को उस पीरियड में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी चीजों को सोचना पड़ता है कि मैं अगला चीज क्या करूंगा अगर मेरा नहीं निकल पाता है IAS। तो भाई एक IAS जो होता है ना, वो एक ड्रीम जॉब होती है इंसान के लिए। और साथ ही साथ में मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब उसके पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उसमें जो भी जाता है तैयारी करने, अगर उसका नहीं निकल पाता है तो सच में यार वो चीज़, वो मतलब समझ रहे हो, मतलब वो एक फेलियर की तरह उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके पूरे जज्बात में वो चीज़ बैठ जाती है लाइफ टाइम के लिए कि भाई मैं IAS नहीं बन पाया। तो जैसे अपने लोग के साथ क्या होता है यार, अपने लोग जो भी हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है और हम आगे चल के धीरे धीरे करके सेटल हो जाते हैं। लेकिन IAS UPSC की जो ये तैयारी होती है ना, उसमें होना मतलब पहली बात तो बहुत ही कठिन, और जिसका नहीं हो पाता उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। बट फिर इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाया गया है कि सिर्फ IAS बनना ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अपने लाइफ को के बारे में कुछ जान लेना, अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचना और ये चीज़ देखना कि तुम अपने परिवार, अपने लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ IAS बनने के चक्कर में, अपने कुछ सपनों को पूरे करने के चक्कर में, कैसे कहीं ऐसा नहीं कि तुम अपने पूरे परिवार को भूल जा रहे हो। तो इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है इस TVF एस्पिरेंट की सीरीज़ में। और आपको विश्वास नहीं हुआ यार, ये इस समय का मतलब अभी मैंने देखा, इस समय वो 3rd नंबर पे चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग ऑन 3 है वो वीडियो जो है, लास्ट एपिसोड ट्रेंडिंग ऑन 3 है, मतलब एकदम यार ऑसम, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। सो ट्रेंडिंग ऑन 3 है इस समय, IMDb रीडिंग 9.0 है। तो आप सभी लोग जाओ उसको देखो, YouTube पे पूरा फ्री अवेलेबल है TVF सीरीज ये एस्पिरेंट्स का, आप जाओ देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, एक्सप्लोर करो और फिर अपने रिव्यूज़ बताओ। इसमें हर एक कैरेक्टर, चाहे अभिलाष हो जो कि IAS बनता है, चाहे वो गुरी हो जो कि अपना कुछ NGO खोलता है, और चाहे SK हो जो कि पढ़ाई से रिलेटेड काम करता है, अकेडमी में पढ़ाता है,
तो यार यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि तीनों के तीनों ने अपना कुछ ना कुछ चीज़ें की हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में किया है, अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया है, बट सभी के दिल में कहीं ना कहीं वो खंजर रह जाता है कि मैं निकाल नहीं पाया। लेकिन अभिलाष जो कि एक IAS ऑफिसर बन जाता है एट दी एंड, आखिरकार में उसको इस बात का हमेशा के लिए दुख हो जाता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की का ना हो सका, ठीक है। और यही बात बाद में उसको संदीप भैया रियलाइज़ कराते हैं कि भाई हम अपने लाइफ में, जो कि आपने अभी जस्ट पहले एक वीडियो देखा, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। माँ बाप प्यार दोस्त इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। तो इसमें यही चीज दिखाते हैं वो कि अपने लाइफ में अपने सपनों को सिर्फ पूरा करने के लिए अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भूल नहीं जाना है, क्योंकि हमें एक दिन वापस ऊपर ही जाना है। लेकिन हम अपने साथ कुछ ले के नहीं जाएंगे, बट हाँ ले के तुम जाओगे वो यादें, वो सपने जो तुमने अपने दोस्तों, यारों, अपने फैमिली के साथ बिताई होगी। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। आज का रिव्यू बस इतना ही, मिलते हैं अगले बार। और भी व्लॉगिंग वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो जाके देखो, और साथ ही साथ में इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी और जय हिंद।